भाई सीरियल नागिन का ये सीजन अब जल्द ही हम सबको अलविदा कहने जा रहा है, लेकिन उससे पहले लीजिए, जो विशाखा है वो जेल में बंद हो गई है। वैसे नागिन को भला जेल में कैसे कोई बंद कर सकता है, वो तो यूं 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 करते हुए कहीं से भी निकल सकती है। बहरहाल हमारी नागिन शायद इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि कोई है जिससे उनको भी डर लगता है, बल्कि कहना चाहिए किसी चीज़ से उनको भी डर लगता है। यूं तो नागिन का जहर अच्छे अच्छों को नानी याद दिला देता है। नागिन का डसा पानी भी नहीं मांग सकता, मगर कोरोना के कहर पर नागिन का जहर भी बेअसर है। इसीलिए नागिन के सेट पर कोरोना से लड़ने के सारे इंतजाम हैं, क्योंकि नागिन भी कोरोना से डरती है। उसे भी डर है कि जैसे सीन में वो किसी वजह से कैद हो गई है, कहीं असल जिंदगी में कोरोना उसे जकड़ ना ले। ऑनेस्टली मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत स्ट्रेस में थी कि कैसा होगा। इवन माई हस्बैंड वॉज वेरी स्केर्ड कि शूटिंग पे जाओ ही मत। सब एक्चुअली इतना शॉक्ड है जो सिचुएशन हो गया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एहसास हुआ कि एक्चुअली इट्स सो वेल सिक्योर्ड। बालाजी ने जो ऑर्गेनाइज किया है, सैनिटाइजर्स एट एवरी नुक एंड कॉर्नर टू क्लीन योर हैंड्स, टू सैनिटाइज योर ज्वेलरी, टू सैनिटाइज योर क्लोथ्स, मतलब हर बात के प्रिकॉशंस लिए गए हैं क्योंकि सब कोविड को बहुत सीरियसली लिया गया है एंड एवरीबडी इज़ गोइंग बाय द रूल्स। ऐसा नहीं कोई भी रूल्स तोड़ रहे हैं। सो आई फील रियली, मुझे डर था बट आई फील रियली सेफ एंड कम्फर्टेबल। एंड ऑफकोर्स रंजन जी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है। इनफैक्ट लोग एंटर करते ही मेक्स श्योर कि सब लोग यू नो एवरीबडी इज़ वेल सैनिटाइज। तो यहाँ पर आने के बाद तो बिल्कुल भी मतलब डर ऑलमोस्ट चला ही गया है। तो नागिन विशाखा यानी कि अनिता हसनंदानी का डर सेट का माहौल देखकर दूर हो गया, और सेट पर यह माहौल बनाए रखने का जिम्मा सीरियल के कप्तान निर्देशक रंजन कुमार सिंह का है, जो खुद सब के सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हैं। सेट पर जो भी एंट्री ले उसकी जांच की जाती है और उन्हें सैनिटाइज भी किया जाता है। आर्टिस्ट के मेकअप मैन और हेयर ड्रेसर पीपीई किट में ही रहते हैं, तो आर्टिस्ट के गहने स्पेशल बॉक्स में स्टरिलाइज होते हैं। सेट के यूनिट मेंबर्स बिना मास्क के नजर ही नहीं आते, और हर किसी को बार बार हाथ धोने के लिए कहा भी जाता है। और हमने शूटिंग के पहले एक दिन रखा था जिसमें हमारे एक्सपर्ट आए थे और उन्होंने सब बताया कि कैसे शूट करना है, क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, सब मशीनें क्या क्या होंगी हमारे पास, तो सब का हमने यूज़ करना सिखाया सबको। इवन हाथ कैसे धोना है वो भी सिखाया। तो ये सब हो जाने से काफ़ी लोग सीख गए, बट फिर भी हम फिल्मी हैं, थोड़ी सी तो आदत है, टेक्नीशियंस भूल जाते हैं, जो उसमें आगे लाइट उठाते हैं एक दूसरे को टच कर लेते हैं, तो उनको बीच में रोकना पड़ता है। खाने का ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है क्योंकि खाने की बहुत समस्या है, कैसे खिलाएं। तो लोगों को हम एक एक करके बारी बारी से छोड़ते हैं, मतलब ब्रेक भी मतलब एक डेढ़ घंटे पहले से स्टार्ट हो जाता है और ब्रेक कम से कम दो घंटे हो जाता है। वैसे तो नागिन का मौजूदा सीजन अपने आखिरी दौर में है, मगर फिर भी इस मुश्किल दौर में कहानी को मज़ेदार बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। शूटिंग में जो थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है कि हग करना है, तो हम हग नहीं कराते हैं, हम दूर से ज़्यादा हाथ में सैनिटाइजर लगा के हाथ पकड़ लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। एक्टर्स को भी बहुत क्लोज नहीं लाने की कोशिश कर रहे, तो वो सब थोड़ी सी परेशानी हो रही है। रोमांटिक सीन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट सीन का मूड हम मेंटेन कर रहे हैं, तो बहुत बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बस ये सब थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी सब तो वैसे ही है। तो बहुत जल्द न्यू नॉर्मल में नागिन की बदली हुई नई कहानी हमारे सामने आएगी, और नागिन का रोमांस भी दिखेगा और उसके बदले की आग भी। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।